अस्सलामुअलैकुम गाइस, सो वेलकम बैक हो गया आप सबका एक अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग में। सो गाइस आज मैं हूँ फुल मोटिवेशन के साथ, मुझे एक नई मोटिवेशन मिली है। सो गाइस यार कल हम एक लाए थे न्यू मेहमान, जो रात को हम लाए थे वो है हमारे मिनी जू में, तभी मैं आपको बाद में वो दिखाऊंगा। तो आज जुम्मे का दिन, तो आपको उसके साथ जुम्मा मुबारक हो। और गाइस यार यहाँ पे एक वो दरख्त हुआ करता था जो कांटों से भरा हुआ हुआ करता था, और वो झोपड़ी यहाँ पे बनी हुई थी। वो गाइस दरख्त भी काट दिया और यहाँ से झोपड़ी भी निकाल ली, झोपड़ी को आगे कर लिया और पूरे हिस्से में गाइस झोपड़ी बना दी। यार अच्छा हुआ गाइस दरख्त निकाल लिया यार, मगर एक खासियत थी यार यहाँ पे ना थोड़ी छाँव हुआ करती थी, अब तो धूप होगी। तो गाइस बाकी छोड़ो, वहाँ पे भी एक कांटों से बड़ा दरख्त है। और आज है जुम्मे का दिन, तो आप लोग को जुम्मा मुबारक। तो सुबह सुबह मज़ा ही आ जाता है यार, फ्रेश फ्रेश हो ना बंदा सुबह, आए आए क्या मज़ा आता है यार। ये देखें सारे कौवे गाइस एक साथ यहाँ पे जमा हो के आए, मुझे लगता है गाइस मेरे ऊपर अटैक करने के मूड में। पहले मेरे ऊपर अटैक करें, मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ, तो मैं आपको मिलता हूँ बाद में। तो उसके बाद हम आपको न्यू मेहमान भी दिखाएंगे, तो मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो बाय बाय मेरे पर। फाइनली मैं आ चुका हूँ स्कूल से, गर्मी बहुत हो रही है और सूरज दादा ऊपर से गाइस चमाटे करा रहे हैं ना, ऐसी मदद से चमाटे करा रहे, पूरा सूरज भी मेरे ऊपर है यार। मैं थोड़ा चाव में आ गया हूँ, बस वो कुछ मुर्गे वो रहे घूम रहे हैं हमारे, और कुछ उधर घूम रहे हैं जी साहिब। और गाइस अभी तो मैं चलते हैं आपको मेहमान दिखाने, अभी दिखाऊँ या बाद में चलो अभी दिखाता हूँ यार, क्या याद करोगे तुम लोग भी। ये खुला हुआ है, इसे खोल लेते हैं, यहाँ से हटाएंगे। मेहमान जी बाहर ना निकलना जी, बस एक मिनट ये बंद करता हूँ और ना लोग बाहर निकल लेंगे, फिर पड्डा हो जाएगा पड्डा। सो गाइस यार दिस इज आवर मिनी जू, बहुत ही प्यारा लग रहा है, हमने थोड़ी क्लीनिंग भी कर लिए है। और ये हमारे मेहमान साहिब, एक अदद मुर्गा लाए हैं हम, और एक अदद मुर्गी जो खुद ही पता नहीं क्यों चली गई है केस के पास। वो भाई मुर्गा डर रहा है, पूरा सपाटर हो रहा है, मैं उससे डर रहा हूँ, ये मेड़ से डर रहा है। ये देखो भाई डर रहा है भाई। एक अदद हमारी मुर्गी सपाटर, साई माना जी सपाटर वाली मुर्गी है बस, कल रात को लेकर आए थे। अगर मुझे पता, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुर्गा और हमारे अनी बनी एक ही नस्ल के हैं, मगर फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं यार। ये देखो ये सपाटर वाली मुर्गी बाहर निकल गई गाइस, ये मुर्गा और गाइस हमारे अनी बनी एक ही नस्ल के हैं, फिर भी पता नहीं उसे क्यों लड़ते हैं। एक मिनट, अच्छा गाइस बाप दादा की वो मिल्कियत पे ना इनकी दुश्मनी होगी, इसीलिए ये लोग लड़ते रहते हैं। ये देखे गाइस क्या प्यारे लग रहे हैं ना, कि क्लास के मुर्गे। ओह गाइस हमारे पास अब मुर्गियाँ कम पड़ गई हैं, मुर्गे ज़्यादा हैं, क्योंकि एक अनी बनी ये दो हो गए, और राजू तीन, और अम्टी चार, और ये पांच। इसका भी गाइस हम नाम सोचेंगे इन दोनों का भी, बड़ा क्यूट सा नाम इन दोनों का रखेंगे। सो बाकी मैंने आपको ये दिखा दिया, और ये हमारा मिनी जू गाइस साफ सुथरा सा हो रहा है। तो गाइस यार हमने ये केज के हमने बीच की वो लकड़ी निकाली भी, आप लोग नज़र आ रही होगा, अभी हम उसके लिए वो लेके लकड़ियाँ पड़ी हुई हम लेकर आए हैं, अभी ये रिपेयर होगा नीचे से आई थिंक, और ऊपर से भी रिपेयर होगा दोनों जगह से, फिर हम इसमें और कुछ लाएंगे परिंदे वगैरह। तो गाइस यार आपको मैं बताऊँ कल क्या हुआ, कल ना कसन है वो नहीं बनी को लेकर गए थे गाइस लड़वाने, वो रेड वाला बनी है ना उसको लेकर गए थे लड़ाने के लिए, और गाइस उसने क्या लड़ाई की यार, वो जो सामने वाला मुर्गा था ना उसके पूरे मुंह का सत्यानाश कर दिया। चल झूठा। तो गाइस अगर शायद मेरे पास अगर क्लिप पड़ा हो तो मैं आपको दिखा लेता हूँ, तो गाइस पूरा मुंह का ऐसा सत्यानाश किया है ना, आह आह मैं बोल रहा हूँ यार इन दोनों को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। तो बाकी
आसान हो रही है, मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आते हैं, इनका हम अच्छे से रिसर्च करते हैं, इनको पकड़ते हैं। भी कल भी मैं आया, मुझे याद नहीं दे रहे थे ये ताला हो जा भाई, ताला हो जा। और अभी यस बनी तो बड़ा खुश खुश है, उसका लड़ाई करके आए सुबह से। अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो नमाज पढ़ने के बाद उनको अच्छे से पकड़ के इनका रिसर्च करते थोड़ा, तो लेट हो रहा हूँ, तो बाय बाय। वन आवर लेटर असांगे बाबा साईं रेडी थियो, असांगे वंज नमाज आई कमंज आगे जा विलो कंटिन्यू करंज जियो। इधर फाइनली मैं आ चुका हूँ नमाज पढ़ के, और मैं थक गया हूँ, गर्मी भी बहुत है, तो मैं थोड़ा खाना वगैरह खाऊंगा और थोड़ा रेस्ट करूंगा, तो उसके बाद आपको मिलता हूँ। 5 years later. गाइस यार फाइनली मैं मनीष हूँ, मैं आ चुका हूँ, और मेरे पास है मेरे दोस्त साबिर भाई। तो गाइस यार ये लोग डर रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इनका खाना भी वैसा ही का वैसा ही वहाँ पे पड़ा हुआ है, उन्होंने पानी भी ऐसे ही का पड़ा हुआ, उसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, पता नहीं डर रहे। इनको छोड़ो, थोड़ा हम लोग फुटबॉल वगैरह तो खेलते हैं यार, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। साबिर भाई अब जाओ वहाँ पे खड़े फुटबॉल खेलते हैं, हाँ यार। शायद मैंने इसीलिए टेढ़ा झूठ मारा क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा था। थोड़े मैं जगलिंग करता हूँ, जगलिंग। साबिर भाई आप कैमरा पकड़ो, मैं थोड़ा जगलिंग करता हूँ। यार मेरे से नहीं होता है गाइस जगलिंग, अस्सलाम भाई बहुत ही टाइट करता है यार, कोशिश करता हूँ गाइस जगलिंग की मैं। गाइस यार मेरे से नहीं होता है, चलो गाइस मैं आपको कुछ स्किल्स दिखाता हूँ, वो भी पता नहीं कैसे होंगे, मैं तो अपनी तरफ से गाइस स्किल इजाद करूँगा अभी देखो। वन नेक्स्ट स्किल गाइस मेरा ये वाला डबल बड़ा मशहूर है। तो गाइस यार ये वाला मेरा जो ये वाला डबल है ना, ये बड़ा मशहूर है यार, उनके कैसे तो फुटबॉल को इधर लेके जाऊंगा, इधर इनको क्या होता है इनके पाँव के बीच से मैं निकालता हूँ फुटबॉल। तो गाइस यार फुटबॉल के बहुत सारे टूर्नामेंट भी किए हैं, मैं टूर्नामेंट में मैंने फुटबॉल के बहुत से हिस्सा लिया था, मगर वो गाइस मैं 3-4 बस टूर्नामेंट देता हूँ, बाकी जब भी जो भी टूर्नामेंट होता है फाइनल में आके हम लोग हार जाते हैं, पता नहीं क्यों यार। असम भाई की टीम जो मैं अलग टीम में था, असम भी अलग टीम में था, अभी असम भाई की टीम है और बहुत जीतती है यार। तो गाइस यार अभी जाते हैं असम भाई को बुलाते हैं और ना उनका नाम रखते हैं, जाते हैं असम भाई को बुलाने। गाइस यार फाइनली मैं मिनी जू में फिर से एंटर कर चुका हूँ, और ये मुर्गे कब से पिंजरे में शुंगड़ू शुंगड़ू गुंगड़ू 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 गुंगड़ू। तो गाइस अभी बारी है इनका नाम रखने की बारी है गाइस, तो अभी पहले इनको पकड़ते हैं फिर हम इनका नाम रखते हैं, तो चलो इनको पकड़ते हैं। गाइस फाइनली मैंने इनको पकड़ लिया हुई, और इन्होंने मुझको बहुत तका दिया हुई, तो पड़ी है अभी इनकी नाम रखने की। सो गाइस यार मैंने इनको पकड़ लिया, इन्होंने मुझे बहुत तकाया, मेरे पसीने निकल गए, मेरी कमर गीली हो गई, मेरे रोंगटे कांप गए, इन्होंने मुझे अरे कहना क्या चाहते हो गाइस बहुत तकाया। तो यार अभी बारी इनकी बाल उड़ने, यार ये शैम्पू सही वाला इस्तेमाल नहीं करते ये लोग भी कुछ भी। तो कहते हैं बारी है इनके नाम रखने की, तो यार मैं सोच रहा हूँ इसका बड़े वाले का नाम रखते हैं मुर्गे का सम भाई, और इसका नाम रखते हैं मुजम्मिल भाई, कैसा है गाइस अच्छा नाम है ना। रिसर्च थोड़ा करूंगा गाइस, ये मजाक कर रहा हूँ गाइस, इनका ये नाम नहीं रखते, इनका नाम रखते हैं फ्यू इंचेस लेचा। अम्बड़ू गम्बड़ू भाई, अम्बड़ू गम्बड़ू बहुत ही प्यारा नाम है, मैंने बहुत रिसर्च किया है, और ये मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मैंने इसका कर्जा नहीं लिया, उधर देखो
खराब हो रहा है, फोकस ऑन द कैमरा, डोंट फोकस ऑन द मी। ये दोनों गैस मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, अम्बड़ू भी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, गम्बड़ू भी, दोनों का आंख मेरी तरफ है। मुझे लगता है ये लोग मुझे मारेंगे। अंगड़ू गम्बड़ू आगे देखो, कैमरा में फोकस करो, फोकस। पहले मट्ट शरीफ, शुरू में इन्होंने मुझे टकाया, फिर मैंने इनको थोड़ा प्यार म्यार किया, मैंने इनको स्टिंग स्टिंग पिलाया, गला माला गला 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 मारे मारे अंबड़ू गैस भाग गया, गम्बड़ू भाग गया, अंबड़ू मेरे हाथों में, अंबड़ू हमला कर रहा है, अंबड़ू को थोड़ा मैं शांत करता हूं। गाइस यार बहुत मजाक हो गया, मैं फुल सीरियस हूं यार। अभी ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, देखो फुटबॉल के साथ ये लोग खेल रहे हैं, मैं जाऊंगा इनका थोड़ा खेल खराब करूंगा और इनको पकड़ेंगे और इनका फिर सीरियस वाला हम लोग नेम रखेंगे। अब इनको यार पकड़ने में गाइस बहुत टाइम लग जाएगा, इनको आओ इनको फुटबॉल का खेल खराब करते हैं। तो भाई हटो, मेरा फुटबॉल है तो गाइस बहुत टाइम लगेगा, तो बाद में मिलते हैं। A few moments later. बस वाले ने उनको पकड़ लिया, उन्होंने मुझे बहुत तगा लिया। अभी हम रखते हैं मुर्गे का नाम डोलू और इसका नाम रखते हैं बोलू। गाइस ये बहुत ही प्यारा नाम है, मुझे तो ये नाम अच्छा लग रहा है। अभी बाकी मुजम्मिल भाई लोग आएंगे, हम उनसे पूछेंगे अभी तब तक के लिए इनका यही नाम रखेंगे जब तक मुजम्मिल भाई लोग नहीं आते। तो गाइस यार डोलू बोलू अब इनका नाम हो चुका है डन, तभी हम इनको आजाद छोड़ते हैं डोलू बोलू को। और गाइस ये देखो यार प्यारा है इसका, मगर यार इसका वो पीछे वाला दुम नहीं है जो खूबसूरती के लिए होता है, ये इसका शार्ट है यार। ये पता नहीं लड़ाई शड़ाई करवाए, इसके सीख भी देखें गाइस, यहाँ से जो सीखें होती हैं इन मुर्गों की वो भी इसके नहीं है। तो यार मुझे इसको लड़ाई शड़ाई करवाए अभी ये, ताकि अब पता नहीं डोलू बोलू अभी हमारे ही हो चुके हैं, तो हम इनको छोड़ते हैं डोलू बोलू को आज़ाद करते हैं। डोलू जी जाओ आप, बोलू जी आप इस साइड से। यार इसको पता नहीं क्या हो गया है, जाम हो गया है यार, आयल माइल डलवाना पड़ेगा इसका, मतलब ट्यूनिंग करना है इसका अभी। जाओ जाओ देखो इसका ट्यूनिंग करना है उस्ताद, अब इसका घर में थोड़ा ट्यूनिंग करता हूँ। इसका ट्यूनिंग हो गया, इसको मैंने आयल डाल दिया, पोयो आयल मैंने इसके अंदर डाला है। तो गाइस हम इस व्लॉग करते हैं अपना इधर ही एंड, उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपना बहुत सारा प्यार दें, और ऐसे ही मैं भी आप लोग के लिए मजे मजे के व्लॉग बनाते जाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोलू बोलो जी आप भी बोलो अल्लाह हाफिज़।